गुड मॉर्निंग कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 9 में पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, वीडियो का तीसरा भाग देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में। क्या पढ़ेंगे? जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जड़त्व और द्रव्यमान किसे कहते हैं, आइए हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ठीक है, अभी तक दिए गए उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। हम ये जानते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर अचानक गति में आए तो उसका विरोध करती है, यानी आपको झटका लगता है। आपका बस में बैठे हैं यार, आप अचानक बस में ब्रेक लगे तो आपको झटका लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो, चाहे वह गतिशील अवस्था में हो। वह प्रत्येक अवस्था में क्या करती है? परिवर्तन का विरोध करती है। वह चाहती है कि वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखती है। वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। यानी वस्तु परिवर्तन का विरोध करती है, वह अपने मूल गुण को बनाए रखती है, तो वस्तु किस गुण को क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। इतना आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्या सभी वस्तुओं में जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को आप धक्का देने के बदले अगर जो खाली बक्सा है आप उसको आसानी से धक्का दे सकते हैं। फुटबॉल को किक मारोगे तो दूर चली जाएगी, लेकिन उतने ही बड़े पत्थर को किक मारोगे तो आपका पैर टूट सकता है। ये चीज़ आप जानते हो, तो वो खिसकेगा भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट, हो सकता है ऐसा करते समय आपको चोट लग जाए। क्रियाकलाप 9.2 में हम 5 के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करें तो हम पाते हैं कि हमें उसको धक्का लगाने में कम बल की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, एक ठेला गाड़ी चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है, उतना बल यदि एक रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो रेलगाड़ी क्या होगी? अपने जगह पर रह जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तु जो है अगर भारी है तो भारी वस्तुओं में जड़त्व ज़्यादा होता है, हल्की वस्तुओं में जड़त्व कम होता है। तो मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जा सकता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जड़त्व और द्रव्यमान को हम कैसे परिभाषित करेंगे? किसी वस्तु का जड़त्व वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विरामावस्था से गति की अवस्था में परिवर्तन होने के समय जड़त्व क्या है? वस्तु अगर विराम अवस्था में गति की अवस्था में है तो उसके परिवर्तन का विरोध करता है, तो जड़त्व है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यानी जड़त्व को हम द्रव्यमान से मापेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, किसका जड़त्व अधिक है? एक रबर गेंद का या उसी आकार के पत्थर का? तो सिंपल सी बात है, उसी आकार के पत्थर का, क्योंकि द्रव्यमान जिसका ज़्यादा, जड़त्व उसका ज़्यादा। एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा है कि कम है? साइकिल का जड़त्व कम है, रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा है, क्योंकि रेलगाड़ी क्या है? भारी है। 5 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का? 5 रुपये का सिक्का। क्यों? क्योंकि वो भारी है, इसलिए उसका जड़त्व ज़्यादा है, परिवर्तन का विरोध ज़्यादा करेगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलेगा? चलो जानते हैं। देखिए, कितनी बार वेग बदलना, ध्यान दीजिए। फुटबॉल पर एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुँचाता है, तो एक बार वेग बदला। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाता है, तो कितनी बार बदला? एक बार और बदल गया। फिर विपक्षी टीम का गोल कीपर गेंद को पकड़ रहा है, ठीक है, पकड़ रहा है, यानी गेंद क्या और स्थिर हो रही है, और अपनी टीम की खिलाड़ी को किक मार रहा है। एक बार गेंद स्थिर हो गई, फिर किक मार रहा था, यानी इसके साथ ही उस कारक की पहले प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान कर रहा है। तो कारक क्या है? हम किक लगा रहे, ये कारक हो गया। वेग कितनी बार बदला? 3 बार बदला। ठीक, कितनी बार बदला? 3 बार बदला, या वास्तव में क्या था? 4 बार बदला, क्योंकि एक बार रुका भी है। ठीक है,
बार बार जो किक मार रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, बल उसको प्राप्त हो रहा है। देखिए अब एक क्वेश्चन है कि किसी पेड़ की शाखा को अगर तेजी से मिला दे तो पत्तियां झड़ जाती है, क्यों झड़ जाती है? देखिए स्टूडेंट, पत्तियां क्या होती है, पेड़ पर स्थिर होती है। देखिए जब पेड़ जोर से हिलता है तो पत्तियां ऑटोमेटिक हिलती है, गिर जाती है। देखिए हम जबरदस्ती धक्का मारे पेड़ को तो पत्तियां झड़ेंगी, उसका रीजन क्या होता है, पत्तियां क्या स्थिर है। लेकिन होता क्या है, आप जड़त्व का नियम पढ़े हैं कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ की पत्तियां उसी गति में नहीं आ पाती, जिससे वो परिवर्तन अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाती और पेड़ की पत्तियां क्या होती है, झड़ जाती है। तो कौन से नियम कारण, जड़त्व के नियम के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, कि जब कोई बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर जाते हैं, यानी जब बस रुकती है तो आप अचानक आगे की तरफ धक्का खाते हैं, यानी आगे की तरफ जाते हैं, और जब बस चलती है तो आप पीछे की तरफ आओगे। क्यों ऐसा, इसलिए होता है कि आप क्या है, बस के अंदर बैठे हैं, आप गति नहीं कर रहे, केवल बस गति कर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। इसलिए जब बस चलती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब बस रुकती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सभी जड़त्व के नियम हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।